वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विक्रम सिंह और आज है 5 जून और 5 जून को मैं अपनी गाड़ी रिनोवेट करने के लिए देने जा रहा हूं। मतलब रिनोवेट ये जो छत है ना इसके ऊपर हार्ड टॉप लगवाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तो ये सिंपल सी छत है, कपड़े की छत है, कपड़ा या टार्पलिन की छत है और पीछे से ओपन है पूरा, एसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसको बदलवा के हम इसी के अंदर इंसुलेशन के साथ इंटीरियर के साथ इसी कलर का इंटीरियर मस्त एकदम गाड़ी बना के लाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। गुड़गांव में बिमरा एक वर्कशॉप है जहाँ पर मैं मॉडिफाई कराने के लिए देने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अभी तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है, 80 किलोमीटर के आसपास है। ये जर्नी हम 2-3 घंटे के अंदर पूरी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी पहुँचने, क्योंकि आज ईद है, उन्होंने कहा है कि ये जल्दी जल्दी पहुँच जाइए, हम हाफ डे हमारा, तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट पहुँचते हैं। मैं पहुंच गया हूं, अभी थोड़ा टाइम और है बस पहुंचने में, सिर्फ 900 मीटर्स, थोड़ा सा दूर होगा। ये पहुंच गए हैं, ओके। पहुंच गया हूं मैं यहां पर और यहां पर पहले से ही काफी जीप्स खड़ी हैं। वो लिखा बिमरा। चलते हैं अभी देखते हैं क्या स्टेटस है। ओके। सो ये आखिरी बार हमारी थार है, इसके बाद इसका पुनर्जन्म होगा। ओए होए कितनी गर्मी, कुछ कॉइन निकाल लेते हैं, यहाँ पड़े रखते हैं, 1-1.5 रुपए का कॉइन पड़ा रहता है। सो दिस इज द फोर्थ गुरखा नई वाली, इसको मॉडिफाई किया है, नए वाली है सस्पेंशन क्या किया है इसको। ओह जहाँ पर इन्होंने गुरखा को मॉडिफाई किया है, यहाँ पर इनका फैब्रिकेशन वर्क होता है। ओके और गुरखाओं के लिए कितना उठा दिया। ये भाई साहब आते ही फर्स्ट डे ही अपनी जीप मॉडिफिकेशन दे के आ गए हैं। तो ये जो इनका एरिया है, ये वर्कशॉप है, ये लोग यहाँ से कुछ कस्टम, अगर मुझे कुछ करवाना है तो यहाँ से बना कर फिर अपनी शॉप से लेके जाते हैं फैब्रिकेशन के लिए। जैसे यहाँ पर इनका पूरा मेटल वर्क होता है। अभी आपने जो पीछे गुरखा देखी वो भी नई वाली गुरखे है, तो उन्होंने पूरा मॉडिफाई कुछ 2 या 3 इंच 6 इंच ऊपर उठाया हुआ है, उसके बड़े बड़े टायर्स लगाए हुए हैं। जबकि गुरखा के अंदर जगह होती है टायर्स लगाने के लिए, फिर भी उनको थोड़ा सा और चाहिए था, उन्होंने बड़ा उठाया उस गाड़ी को। और ये गाड़ी मुझे शायद 18 तारीख के बाद मिलेगी, 18 तारीख को मैं यहाँ पर होऊँगा नहीं। सो वट कैन बी डन, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ ये फ्रेम है, इसके अंदर बीच में प्लाई लगती है, फॉर्म लगता है, बाकी काम देने के बाद। यहाँ पर इनके इसुजु डीमैक्स के पीछे का टॉप रखा हुआ है, अच्छा है, महंगा पड़ता है ये। जो अभी आपने देखा वो था इनका मॉडिफिकेशन का हब, वहाँ पर सारे इनका फैब्रिकेशन वर्क होता है। इसुजु का उन्होंने अच्छा खासा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, फोर्स गुरखा करते हैं अच्छा खासा मॉडिफिकेशन, और कोई भी स्कॉर्पियो या पजेरो फॉर्च्यूनर इन सब का करते हैं। और अगर अपलिफ्ट करना हो, थोड़ा सा उठाना हो, काफ़ी हाई लेवल का मॉडिफिकेशन है। और यहाँ पर मुझे एक फ़ोटो दिखाई दे रही है जिसमें लिखा बिमरा, शायद ये जिप्सी को भी इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ था इसलिए यहाँ फ़ोटो लगाया हुआ है। और यहाँ पर इनका पूरा का पूरा सामान रखा हुआ, स्टॉक रखा हुआ है, मतलब यहाँ नहीं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। ये इनका पूरा एक्चुअली वर्क हाउस, गियर हाउस है, यहाँ पर ये लोग स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और जो मैंने फ्रेम दिखाया था उस फ्रेम को, वो मतलब उस फ्रेम को यूज़ करके वो सेमी हार्ड टॉप बनाते हैं, पूरा फैब्रिकेशन करते हैं। अच्छा है, सेमी हार्ड टॉप अच्छा है, सस्ता टिकाऊ है, पूरा वाटर प्रूफ रहता है, मस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। और अभी मैं जाऊंगा इनके दूसरी वर्कशॉप में जहाँ पर मुझे रियर ग्लास को डिसाइड करना है कि कैसा रहेगा। चलते हैं, थोड़ी देर में वेट करते हैं। और हमारी थार
वहाँ खड़ी हुई है, ये दिखा दे, वो खड़ी है हमारी थार। तो गाड़ी को देने से पहले एक बार लास्ट बार मीटर की चेकिंग कर लेते हैं, फ्यूल की चेकिंग कर लेते हैं कितना बचा है फ्यूल। धूप पड़ी है यार कसम से, इनकी लाइनेक्स की कोटिंग भी अच्छी है, करवाएंगे एक बार में। यह है 7346 फ्यूल ऑलमोस्ट उधर है। ये अपनी जीप की लास्ट लुक है, ये लोग नई गाड़ी लेकर आए, नई गाड़ी को देखो, नई गाड़ी को नहीं लेकर आए। कितना एक्सपेंड कर लिया हमने, ये रही इनकी थार। ओह माय गॉड, तो इनका थर्ड वर्कशॉप में जहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं लोग, कितना एक्सपेंड किया। तो ये फ्रेम बनेगा हमारा, जिसके अंदर हमारी गाड़ी का सॉफ्ट टॉप लगेगा, पर कपड़ा दूसरा है, डायमंड कट है, प्लेन नहीं है, हमने डायमंड कट लिया, नियॉन से लगता है। और ये वाला फॉर्म लगेगा इंसुलेशन के लिए, जिससे धूप प्रेफर नहीं कर पाएगी। तो लेट्स सी, चलते हैं, काम खत्म हो गया। तो दिस इज द एलईडी कॉल डिजाइन में हमारे जी, तो ये इनका इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स है, यहाँ पर इसके अच्छा कार्बन फाइबर, ओके 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 ओके, सीट्स, लाइट्स, तो ये इनका एक लाइट्स का सेक्शन था, जहाँ पर पूरे लाइट्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मिलते हैं। मेरा काम हो गया ख़त्म यहाँ पर, अभी चलता हूँ मैं घर। 20 दिन बाद शायद डायरेक्टली मुझे मुंबई में गाड़ी मिलेगी, देखते हैं क्या सीन बनेगा।